Hey everyone, कैसे आप सब? I am मीना भारद्वाज and welcome to the luminant IAS Academy. तो आज हम 25th जैन के करंट अफेयर्स के क्विजेस करने वाले हैं. आई होप कि आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं. हम डेली बेसिस पे बना रहे हैं. इसके साथ ही हमने कुछ चैलेंजेस भी बनाए हैं ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ SSC CHSL प्लस UPSC एग्जामिनेशन. आई होप कि आप सब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. अगर अभी तक आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और ऊपर आपको एक्सट्रीम कॉर्नर पे भी लिंक मिल जाएगा. तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस भी मिल सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोड. व्हेन यू फील लाइक स्टॉपिंग, थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड. जब भी आप थक जाए, आप डीमोटिवेटेड फील करें एंड आपका रुकने का मन करे कि नहीं बस बहुत हो गया, देन फिर से सोचिए कि आपने आखिर स्टार्ट क्यों किया था एंड उसके पीछे रीजन क्या था, कोई पर्पस था. तो उसे फिर से सोचिए एंड फिर से वो आपको काफी मोटिवेशन देगा एंड उसके साथ ही फिर से आप अपना अपने एम की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे. तो चलिए हम भी बढ़ते हैं आगे. व्हाट इज करेक्ट अबाउट मीजल्स? इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. इट इज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट ब्लड कॉन्टेक्ट ओनली. इंडिया इज मीजल्स फ्री कंट्री. बी नन. चूज योर ऑप्शन एंड आंसर देने की कोशिश कीजिए. देखते हैं आप कितने करंट अफेयर्स पढ़ते हैं. आप अगर डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं किसी भी सोर्स से तो आपको उनके ऊपर क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए, साथ ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए. सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना काफी नहीं है. जब तक आप उनके ऊपर क्विजेस सोल्व नहीं करते हैं तो वो हमें याद नहीं रहते हैं. तो अवर आंसर इज डी, नन, बिकॉज इट इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. इवन इट अ कंटेजियस वायरल डिजीज एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स ऑफ नोज एंड माउथ बाय अ इन्फेक्टेड पर्सन एंड इंडिया इज नॉट अ मीजल फ्री कंट्री. साथ ही मालदीव्स में अभी एक आउटब्रेक हुआ है मीजल्स का, तो उसमें हेल्प करने के लिए, उसे रोकने के लिए इंडिया सप्लाई करेगा मीजल्स और एंड रूबेला विच इज MR वैक्सीन. एंड जो मीजल्स है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोज है डेथ अमंग यंग चिल्ड्रन, जबकि इसकी बहुत सारी वैक्सीन है, स्टिल इसमें डेथ रेट बहुत ही हाई है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग नेविक. इट इज कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट. इट कवर इंडिया एंड अप टू 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स. इट्स सर्विसेज विल बी अवेलेबल इन न्यू स्मार्टफोन्स इन इंडिया. Choose your option 1 only, 1 and 2, 2 and 3 and all. So here, the answer is D. All statements are correct. Yes, it is constellation of 7 satellite. it covers up to 1500 kilometer and beyond its border. And services available in new smartphones in India. साथ ही जो इस पे कॉस्ट आई है 1420 करोड़ की है एंड इसके बाद से ही इंडिया को किसी और कंट्री पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर दी सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशन. साथ ही एक तरह से नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होगी जिसमें स्टार सेंसर, प्रोपेलेंट टैंक एंड सोलर पैनल्स लगे होंगे एंड एक तरह से स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस भी प्रोवाइड करेगा एंड ओपन टू ऑल यूजर्स. और इसकी जो एक्यूरेसी होगी बेटर देन द 20 मीटर्स. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज रिलीज्ड एनुअली बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट. So here our answer is B, Transparency International, which is released annually by Corruption Perception Index and it has become a benchmark gauge of perception of the corruption. So it is based on the corruption. Next question is, which of the following statements are correct regarding Rohingya crisis? First, International Court of Justice ICJ has recently given its verdict to prevent atrocities against member of the minority Rohingya in Myanmar.
सेकेंड केस ऑफ जेनोसाइड वॉज फिल्ड इन आईसीजे बाय बांग्लादेश. चूज योर ऑप्शन. सो हियर अवर आंसर इज ए वन ओनली. यस रिसेंटली अभी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उन्होंने वर्डिक्ट दिया है कि जो म्यांमार है उन्हें कुछ मेजर्स करने होंगे, जितने भी मेजर्स है वो करने पड़ेंगे टू प्रिवेंट द एट्रोसिटी अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी. साथ ही जो आईसीजी में गया था वो बांग्लादेश नहीं सॉरी द रिपब्लिक ऑफ द गैम्बिया था, जो कि आईसीजी नवंबर 2019 में उन्होंने ये म्यांमार को एक्यूज किया था ऑफ द जेनोसाइड कि वहां पे काफी जेनोसाइड चल रहा है और रोहिंग्या जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार. फर्स्ट अवॉर्डेड टू इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस टू रिकॉग्नाइज द एक्सीलेंट वर्क डन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. ओनली इंडियन नेशनल एंड इंडियन इंस्टीट्यूशन कैन अप्लाई फॉर द अवार्ड. So here our answer is C. Both statements are correct. ये अवॉर्ड किया जाता है एक्सीलेंट वर्क को इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. एंड साथ ही ये 23 जनवरी को अनाउंस होता है हर साल ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. एंड इसमें सिर्फ इंडियन नेशनल एंड इंडियन इंस्टीट्यूशन ही अप्लाई कर सकते हैं. सो ओके गाइस, दीज वर अवर 5 क्वेश्चंस ऑफ डेली क्विजेस. आई होप कि आपको पसंद आ रहे हैं. इफ यू लाइकिंग इट देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन. थैंक यू सो मच.